Good morning, everyone. Last topic is isomorphism of the between two graphs. Isomorphism between two graphs. Isomorphism is a mapping having two uh, having two qualities uh, that uh, the mapping is one one and onto one one that means every every element uh, or every every object uh, having a unique image and second thing onto is uh, that uh, every element has an image and every image has an element That means domain set and range set doesn't have any blank element, any type of element which is which uh, which having no one image and or which having no one the uh, main object. ठीक है? Onto का मतलब ये है कि domain और जो range set है उसमें कोई भी element आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो blank है। मतलब हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है या फिर जितने भी इमेजेस हैं उनका कोई एक प्राइमरी एलिमेंट है जिसकी वो इमेज है वन वन मैपिंग का मीनिंग क्या है वन वन मैपिंग वन वन मैपिंग की हर एलिमेंट की आपको यूनिक इमेज मिले ठीक है ये है वन वन मैपिंग तो जब हम आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्राफ ग्राफ्स अगर हम देख रहे हैं तो वो सिंपल एक मैपिंग ही है उस ग्राफ को हमें मैच करना है इस टाइप से मैच करना है कि उसमें जितने भी वर्टेक्स हैं या जितनी भी एजेस हैं उन वर्टाइस में उन एजेस में वन वन करस्पांडेंस होना जरूरी है वन वन करस्पोंडेंस का मतलब ये है कि जितने भी इमेज तो स्ट्रक्चर भली उनका डिफरेंट हो स्ट्रक्चर से इसमें कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है बट उसमें हर वर्टेक्स के पास जो क्वालिटी है उसके पास जो डिग्री है या उससे जितने भी इंसिडेंट एजेस हैं वो सब सिमिलर होनी चाहिए उसमें ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए दो ग्राफ हैं ग्राफ नंबर वन एंड ग्राफ नंबर टू अब इसमें वन वन ऑन टू के लिए आपको उसकी इमेज सेट या रेंज सेट या डोमेन सेट लेकर हमें प्रूफ नहीं करना है हमें बस उसमें सिमिलैरिटी शो करनी है दोनों ग्राफ में अगर आपने वो सिमिलैरिटी शो कर दी दैट मीन बोथ आर दी ग्राफ आर आइसो ठीक है अब वो सिमिलैरिटी हम कैसे शो करेंगे देखिए ये दो ग्राफ हैं सबसे पहले तो आपको चेक करना है बोथ द ग्राफ हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वर्टाइसिस both the graph having equal number of edges and the vertices having same degree ठीक है चलिए अब नंबर ऑफ एजेस सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस ग्राफ नंबर वन ग्राफ नंबर वन में आप चेक कीजिए कितनी एजेस हैं, ग्राफ नंबर वन में एजेस कितनी हैं, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स भाई भले आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन उस स्ट्रेट लाइन के सेंटर में क्या है एक वर्टेक्स है अगर वो वर्टेक्स है दैट मीन्स ये अलग अलग दो एजेस हैं उसको आप सेम या वन काउंट नहीं करेंगे ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ग्राफ नंबर वन में कितनी एजेस हो गई सिक्स अब ग्राफ नंबर टू की हम बात करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ग्राफ नंबर टू में भी कितनी एजेस हैं सिक्स <coughs> ये हो गई सिक्स सेकेंड आपको क्या काउंट करना है वर्टेक्स ग्राफ नंबर वन के वर्टेक्स काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव कितने वर्टेक्स हैं ए बी सी डी एंड ई कितने वर्टेक्स हो गए फाइव ग्राफ नंबर टू में एफ F, G, H, I एंड J. ये कितने वर्टेक्स सिक्स फाइव चलिए दो चीजें इक्वल हो गई नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एजेस दोनों इक्वल हैं दोनों ग्राफ में ठीक है बट सिर्फ एजेस या वर्टेक्स इक्वल होने से वो ग्राफ आईसो नहीं होते बेटा कई ऐसे ग्राफ या एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें ये दोनों सेम है but the graphs are graph are are not isomorphic dekha that means uske vertex ke beech mein one one and onto mapping exist nahi kar rahi hai तो number of edges और number of vertex so हमने काउंट कर लिए वो दोनों कॉमन है सेम है अब हम चेक करते हैं one one correspondence उसमें है या नहीं अब इसके लिए <coughs> जो ग्राफ वन है सबसे पहले जो ग्राफ वन है उस ग्राफ वन की जितने भी वो हैं वर्टेक्स हैं, ठीक है, है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ए बी, सी डी और ये ई e. फाइव वर्टेक्स हैं, अब आ जाइए ए ए की डिग्री क्या होगी डिग्री क्या होती है जितनी भी एजेस वहां से इंसीडेंट हो रही हैं नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट फ्रॉम दैट वर्टेक्स दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ दिस इज़ इक्वल टू द डिग्री ऑफ वर्टेक्स तो जो ए वर्टेक्स है उस ए वर्टेक्स से उस ए वर्टेक्स से ये दो एजेस निकल रही हैं दो एजेस निकल रही हैं तो ए की डिग्री क्या हो गई टू बी की डिग्री बी से कितनी एजेस हैं ये है बी तो बी से कितनी एजेस हो गई वन टू एंड थ्री थ्री सी सी की डिग्री टू डी की डिग्री टू एंड ई की डिग्री कितनी है थ्री देखिए अब यहां से एक इस तरफ वन एक इस तरफ टू और एक के ऊपर थ्री तो ई e की डिग्री कितनी हो गई थ्री आप हमें क्या चेक करना है ग्राफ नंबर टू ग्राफ नंबर टू में भी फाइव वर्टेक्स हैं एफ जी एच आई जे अब फिर उसकी डिग्री काउंट कीजिए सबसे सब पहले किसकी डिग्री काउंट होगी एफ एफ की डिग्री टू जे की डिग्री जी की डिग्री टू एच की डिग्री थ्री आई की डिग्री टू एंड जे की डिग्री थ्री मतलब जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें दो वर्टाइस ऐसे हैं जिनकी डिग्री थ्री है बाकी के तीन वर्टेक्स की डिग्री टू है सेम हमें उसमें मिल गई किसमें सेकेंड ग्राफ में सेकेंड ग्राफ में भी दो वर्टेक्स थ्री डिग्री वाले हैं और तीन वर्टेक्स टू डिग्री वाले हैं ठीक है तो डिग्री भी आपकी सेम हो गई बट अभी भी कंफर्म नहीं है कि है इसके आगे भी हमें वर्क करना है अब इसके आगे हमें क्या करना है देखिए इतना हमने देख लिया अब हमें बेटा ये चेक करना है कि ये जो डिग्री है या जो जितने भी इसमें वर्टेक्स हैं वो जिन वर्टेक्स से कनेक्टेड हैं या हम जिसकी एज लेंगे इमेज लेंगे फॉर एग्जांपल जैसे ई यहाँ पर क्या है ई E वर्टेक्स की डिग्री कितनी है थ्री तो ऑब्वियस है उसकी जो इमेज इस वाले ग्राफ में बनेगी वो किस पर बनेगी जिसकी डिग्री थ्री होगी ठीक है तो या तो इस e की इमेज बनेगी H पर और या फिर J पर तो जब आप इमेज देख रहे हैं कि मान लीजिए E की इमेज बन रही है H पर तो H पर इमेज बन रही है तो फिर आपको ये भी देखना है कि जो e किन किन से कनेक्टेड है और जिन जिन से वो कनेक्टेड है उनकी डिग्री किस टाइप की है सेम मैं आपको किस में चेक करना है सेकंड ग्राफ में कि ई e की जो इमेज एच है या जे है तो वो जे और एच जिन वर्टेक्स से कनेक्टेड हैं उनकी डिग्री और सेम है किससे ग्राफ नंबर वन में जो कनेक्टेड है उनसे थीके? मतलब आपको ये आपको इमेज तो देखना ही है कि E E की की इमेज H पर मतलब थ्री e है तो H की भी थ्री है तो ये इसकी इमेज हो सकती है कंफर्म नहीं है ये इसकी इमेज क्या हो सकती है देखिए पॉसिबिलिटी है बट वो कंफर्म है या नहीं ये आपको पता चलेगा इनके जो इनके जो फ्रेंड है आप ये मान के चलो जैसे ई e के मान लीजिए वो तीन वर्टेक्स से कनेक्टेड है तो उसके तीन फ्रेंड हो गए एच भी तीन से कनेक्टेड है तो तीन फ्रेंड हो गए तो अब आपको चेक करना है कि इसके जो फ्रेंड हैं किसके फर्स्ट ई e के फ्रेंड और एच के फ्रेंड वो भी सेम है या नहीं अगर वो सेम है तब वो ग्राफ होंगे और ये हमें हर वर्टेक्स के लिए चेक करना है सिर्फ एक वर्टेक्स के लिए चेक नहीं होगा किसके लिए चेक होगा सारे वर्टेक्स के लिए चेक होगा ये चलिए सबसे पहले आपने क्या लिया ई वर्टेक्स ई की डिग्री कितनी है थ्री ई की डिग्री थ्री है मतलब वो थ्री वर्टेक्स से कनेक्टेड है डिग्री थ्री का मतलब क्या होता है उसमें से तीन एजेस रही हैं। जब तीन एजेस रही हैं, तो तीन वर्टेक्स उससे कनेक्टेड हैं। तो ई से कौन कौन से वर्टेक्स कनेक्टेड हैं ए बी एंड डी सी B एंड डी तो ई से कितने कनेक्टेड हैं ए बी डी ये तीन वर्टेक्स कनेक्टेड हैं अब इन तीन वर्टेक्स की डिग्री क्या है देखिए ए की डिग्री टू e की खुद की डिग्री थ्री है जो सफेक्स में मैं लिख रही हूँ ना वो डिग्री है ई <coughs> e की डिग्री क्या है थ्री और ए बी डी ई है ए बी डी से अब उन ए बी डी की डिग्री कितनी क्या है टू थ्री टू मतलब उस ई e से दो वर्टेक्स ऐसे कनेक्टेड हैं जो जिनकी डिग्री टू है और एक वर्टेक्स ऐसा कनेक्टेड है जिसकी डिग्री थ्री है अब हमें ये सेम टाइप का वर्टेक्स इसमें ढूंढना है सेकेंड वाले ग्राफ में सेकेंड वाले ग्राफ में दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री थ्री है तो ई की इमेज सपोज हम जे अभी एज्यूम कर रहे हैं ना हम चेक कर रहे हैं अगर वो जे कन्फर्म नहीं होगा तो फिर हम एच के पास जाएंगे जे हमने क्यों लिया क्योंकि जे की डिग्री भी थ्री है जब भी आप इमेज ले रहे हैं तो फर्स्ट तो आप डिग्री चेक करेंगे ठीक है तो जे की डिग्री क्या हो गई थ्री अब वो जे किस किस से कनेक्टेड है जे किस किस से कनेक्टेड कनेक्टेड है एफ आई एन, एच अब एफ की डिग्री टू आई की डिग्री टू एंड एच की डिग्री थ्री इसकी डिग्री क्या आ गई तीन तो आई के पास भी जो इन आई से जो भी डायरेक्ट कनेक्टेड जो वर्टेक्स वर्टाइसेस हैं उसमें दो ऐसे हैं जिनकी डिग्री टू है और एक ऐसा है जिसकी डिग्री थ्री है यहां पर भी सेम था इस ई से जो कनेक्टेड है उसमें से दो की डिग्री दो है और एक की डिग्री तीन है तो ई की इमेज क्या हो गई आई अब आप जाइए इसके बाद वाले इस पर अब फिर एक थर्ड डिग्री वर्टेक्स और है किसके पास ग्राफ नंबर वन के पास कौन सा बी बी है बी किस किस से कनेक्टेड है ए बी किस से कनेक्टेड है एंड सी ए की डिग्री दो सी की डिग्री टू एन ई e की डिग्री थ्री यहां पर दूसरा वाला थर्ड डिग्री वर्टेक्स कौन सा है एच यहाँ पर थर्ड डिग्री वर्टेक्स कौन सा था एक और एच अब एच किससे कनेक्टेड है जे जी आई एंड जे जी और आई की डिग्री टू एंड जे की डिग्री थ्री तो अब डी जिस बी किस किस से कनेक्टेड है टू डिग्री वर्टेक्स थ्री डिग्री वर्टेक्स एंड टू डिग्री वर्टेक्स सेम एच भी उनी, उसी टाइप के तीन वर्टेक्स से कनेक्टेड है जिनकी डिग्री टू है टू है और थ्री है ठीक है तो ई की इमेज आई डी की इमेज एच अब हमें बाकी के जो हैं उनको भी हमें चेक करना है ठीक है तो अब ये दो वर्टेक्स हो गए आपके कनेक्टेड अब इसके अलावा जो आप तीन वर्टेक्स जो बच गए हैं दोनों में वो हम और कनेक्ट वो हम और चेक करेंगे अभी तक हमने क्या चेक कर लिया ये दो रिजल्ट हमारे पास आ गए दो रिजल्ट इसलिए क्योंकि हमने जो मैपिंग ली है वो मैपिंग हमने किस टाइप की ली है मतलब जो आइसोम ऑफिस में दिस इज मैपिंग एफ फ्रॉम वन टू टू मतलब फर्स्ट ग्राफ से वो सेकंड ग्राफ में जा रही है तो ऑब्वियस आपको इमेज कहां पर मिलेंगी ग्राफ नंबर टू में जो ग्राफ नंबर टू है वो क्या होगा इमेज सेट और डोमेन सेट कौन सा हो गया ग्राफ नंबर वन तो अभी तक दो जो ग्राफ हैं दो इमेजेस हो गई क्लियर एफ ऑफ ई इज इक्वल टू जे एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एच ये दो हमारे पास इमेज आ गई अब हमें रिमेनिंग जो इमेजेस हैं वो चेक करनी है mm -hmm. अब ग्राफ नंबर में तीन थ्री वर्टेक्स बचे हैं जिसकी हमें इमेज फाइंड करनी है कौन कौन से ए सी एन डी ये तीनों ही सेकेंड डिग्री से हैं मेंस ये टू वर्टेक्स से कनेक्टेड हैं भाई जितनी डिग्री होती है उतने वर्टेक्स से वो कनेक्ट होता है ठीक है ये है। अब ए किससे कनेक्टेड है ई e, एन बी सी कनेक्टेड है बी डी एंड डी कनेक्टेड है सी एन ई अब इनकी आप डिग्री लिख लीजिए ठीक है डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री टू इस टाइप से इन तीनों की हमने डिग्री ले ली अब यहाँ पर कौन से इमेज बच गए मतलब कौन से वो बच गए हैं वर्टेक्स हम उसको ले लेते हैं कौन कौन से वर्टेक्स रह गए एफ अब जो रिमेनिंग तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मेथड यही है बेटा जितने भी आपके पास पहले आप वर्टेक्स और वो चेक कर लीजिए उसके बाद आपको उसमें वो भी चेक करना है उसके बाद आपको क्या चेक करना है उनकी जिनसे वो कनेक्टेड है उनकी डिग्री तो ये हो गए रिमेनिंग वर्टेक्स जो बच गए थे यहाँ पर ये हो गए तो अगर आपके पास पॉइंट ज्यादा हैं वर्टेक्स ज्यादा हैं तो आप सारे एक साथ लिख लीजिए फिर हम उसमें कनेक्शन देख लेंगे कि ये और ये सिमिलर हैं तो ये इसकी इमेज हो जाएगा ठीक है अब देखिए ए टू ए टू किससे कनेक्टेड है ई एन बी उस ई एन बी तो उन दोनों की डिग्री कितनी है थ्री थ्री अब वो सेम आपको यहाँ ढूंढना है यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसकी डिग्री थ्री थ्री है जो कनेक्टेड है आई I किससे कनेक्टेड है जे एन एच और जे और एच उन दोनों की डिग्री क्या है थ्री थ्री ठीक है तो ए टू की ए की इमेज ये जो टू या थ्री लिखा है ये इसकी डिग्री है ठीक है तो ए की इमेज क्या बन गई आई पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आई ठीक है ये इससे कनेक्ट हो गया सी सी में क्या है बी और डी बी और डी एक में टू डिग्री है और एक में थ्री है डिग्री तो वही सेम डिग्री टू में और थ्री में तो ये भी सेम है तो सी टू हम ले लें किसके थ्रू सी टू तो मतलब सी किससे ले लें हम कुछ भी ले सकते हो आप है ना एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ एन एफ ऑफ डीवल टू जी क्योंकि यहाँ पे भी इसके पास एक टू डिग्री है एक थ्री डिग्री है यहां पर भी इसके पास टू डिग्री है थ्री डिग्री है तो डी की इमेज हो गई जी एंड सी की इमेज क्या ले लिया हमने एफ ठीक है तो ऐसे आपको चेक करना है आइसोमोफिज्म बिटवीन टू ग्राफ्स पहले आप चेक करेंगे नंबर ऑफ एजेस फिर आप चेक करेंगे नंबर ऑफ वर्टेक्स उसके बाद आप चेक करेंगे जो इंसिडेंट वर्टेक्स हैं या जो इंसिडेंट सॉरी जो डायरेक्ट कनेक्टेड वर्टेक्स हैं उनके बीच में जो करस्पॉन्डेंस है वो सेम होनी चाहिए मतलब अगर जैसे सी से दो पॉइंट दो वर्टेक्स कनेक्टेड हैं एक की डिग्री टू है एक की डिग्री क्या है थ्री तो वो सेम टर्म आपको इसमें एक मिलनी चाहिए जिसमें डिग्री टू हो डिग्री एक की डिग्री थ्री हो तब वो ग्राफ क्या होता है आइसोमोफिक ग्राफ होता है ठीक है अब इसमें एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं नॉन आइसोमोफिज्म का ठीक है क्योंकि हर ग्राफ कई बार ऐसा होता है कि डिग्री और वर्टेक्स सेम है बट वो आइसोमोफिक नहीं है E, ठीक है ये देखिए अब इस ग्राफ में आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एजेस दोनों ही ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस सेम है बट ये आइसोमॉर्फिस नहीं है दोनों ग्राफ में क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस बिल्कुल सेम है बेटा <coughs> क्यों नहीं है आइसोमॉर्फिज्म क्योंकि जब हम वन टू वन करेस्पोंडेंस देखेंगे ना वो इसमें नहीं मिलेगी हम देखिए इसमें जो आ, आ, या तो इसमें पेंडेंट वर्टेक्स भी है दैट मींस जिसकी डिग्री सिंगल है वन है टू डिग्री वर्टेक्स भी है और थ्री डिग्री वर्टेक्स भी है हम थ्री डिग्री वर्टेक्स की बात करते हैं सबसे पहले अब थ्री डिग्री वर्टेक्स कौन है इस वाले ग्राफ में थ्री डिग्री थर्ड थ्री डिग्री किसकी है सी की भाई सबसे पहले तो इमेज के लिए आपको डिग्री चेक करनी है कि कौन कौन सी डिग्री कौन किसकी इमेज हो सकता है तो किसकी सी की इमेज कौन हो सकता है डी क्योंकि डी की डिग्री थ्री है उस ग्राफ में सेकेंड ग्राफ में और फर्स्ट ग्राफ में सी की डिग्री थ्री है अब हम क्या चेक करेंगे वो किस किस से कनेक्टेड है तो सी किस से कनेक्टेड है सी फोर वर्टेक्स से कनेक्टेड है ठीक है किस किस से कनेक्टेड है बी सी ई एंड एफ भाई इन चारों से कनेक्टेड है बी ई एफ एन सी एफ ई ठीक है अब इसकी आप चेक कीजिए डिग्री डी की डिग्री वन ई e की डिग्री वन एफ की डिग्री टू एंड सी की डिग्री सॉरी बी बी की डिग्री टू बी की डिग्री टू है बी की डिग्री क्या आएगी टू ई की डिग्री वन डी की डिग्री वन और एफ की डिग्री टू वन और ये वन ठीक है तो ये किस किस से कनेक्टेड है इसके पास दो पेंडेंट वर्टेक्स हैं और दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री टू टू है अब इसमें हम किसमें हमें चेक करना है डी वन डी वन भी चार से कनेक्टेड है सी वन सीई एफ एन जी इन चार से कनेक्टेड है डी डिग्री ऑफ एफ बेटा टू है ना क्योंकि इससे दो कनेक्टेड हैं, एक इस तरफ जा रही है लाइन और एक इस तरफ जा रही है भाई आप डिग्री क्या लेते हो डिग्री उससे जितनी भी रेज निकल रही हैं। आपको बस ये चेक करना है तो कि, एफ से कितनी रेज निकल रही है एक उस तरफ है और एक इस तरफ है तो दो डिग्री हो गई ना एफ की ठीक है अब इसमें आप चेक कीजिए एफ वन की डिग्री वन जी वन की डिग्री वन सी वन की डिग्री टू एंड ई वन की डिग्री वन ठीक है तो इसमें देखिए वन वन करस्पॉन्डेंस नहीं है क्योंकि उसमें दो की डिग्री दो दो है बट इसमें तीन नाव इसके पास वो वर्टेक्स हैं पेंडेंट वर्टेक्स और एक वर्टेक्स कैसा है जिसकी डिग्री टू है तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है ठीक है क्लियर हो गया कैसे हमें प्रूफ करना है आइसोमॉर्फिज्म या फिर प्रूफ है या नहीं हमें उन वर्टेक्स के बीच में भी चेक करना होता है